यूक्रेन के पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, राजधानी वार्सा में शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय को पीएम ने किया संबोधित, कहा कि भारत सबसे जुड़ना चाहता है, आज विश्व बंधु के तौर पर हमारी पहचान, बोले आज का युग युद्ध का नहीं। प्रवासी भारतीयों के चेहरे पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी, प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। कोलकाता कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई, सातवें दिन भी प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के आगे चुकी बंगाल सरकार, राज्य के मेडिकल हॉस्पिटल में नए प्राचार्य को छात्रों की मांग पर हटाया गया। कोलकाता में राज्य के हॉस्पिटल के अधीक्षक और चेस विभाग के एचओडी हटाए गए। कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर बीजेपी का विशाल विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन तक करेंगे घेराव, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता होंगे शामिल। फाइमैन ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल याचिका दाखिल की, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की गुहार। कोलकाता के हरिहर मेडिकल हॉस्पिटल में सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के 150 जवानों के जिम्मे, गृह मंत्रालय ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के परिवार से मिले राज्यपाल सीबी आनंद बोस, कहा जांच जल्द पूरी होगी, इंसाफ मिलने का आश्वासन दिया। आज के मेडिकल हॉस्पिटल में तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के कार की सीबीआई अधिकारियों द्वारा गहनता से जांच की गई, सबूतों के है तलाश। कोलकाता पहुंचे मशहूर फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, डॉक्टर्स के प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलकाता में और बदलापुर में हुई घटना के विरोध में नागपुर में लेडी लॉयर एसोसिएशन का प्रदर्शन, दोनों ही घटनाओं के आरोपियों को कड़ी सजा की मांग। राष्ट्रव्यापी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन 11वें दिन भी रहेगा जारी, डॉक्टर्स के संगठन ने चिकित्सकों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की मांग। न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व सैन्य अधिकारियों समेत 297 प्रतिष्ठित नागरिक ने संयुक्त बयान जारी किया है, पत्र में डॉक्टर्स की सुरक्षा और सुविधाओं की मांग। कोलकाता हादसे पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने ममता बनर्जी का मुख्य इस्तीफा मांगा। टीएमसी ने कहा कि डॉक्टरों के पास में अब हड़ताल जारी रखने का कोई भी कारण नहीं, डॉक्टरों को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्र बोले कि बलात्कार को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है इस्तेमाल, राकेश टिकैत ने गैर बीजेपी राज्यों के खिलाफ भेदभाव का दावा किया। बच्चियों से हैवानियत पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, पश्चिम बंगाल यूपी बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध, क्या अब एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, आर्जिकर हॉस्पिटल में लगभग 250 डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन तक विरोध मार्च। बंगाल के सिलीगुड़ी में कोलकाता कांड के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस की आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा बंगाल में हालात ठीक नहीं, ममता राज में अपराधियों को संरक्षण है, पुलिस भी साथ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार ने आज तक से कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। कानपुर में सड़कों पर उतरे दलित संगठन और बीएसपी के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जयपुर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग। नागपुर में भारत बंद का मिला जुला असर, दलित इलाकों में दुकानें बंद दिखी, इलाकों में कई जगहों पर बाजार खुले भी दिखे। महाराष्ट्र के बारामती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दुकानें बंद करके मार्च निकाला गया। भारत बंद को लेकर केंद्र पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव का हमला, बोले कि मोदी राज में दलितों को बांटा जा रहा है, नहीं होनी चाहिए क्रीमी लेयर की बात। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा कि तेजस्वी बाबू आरक्षण पर क्या बोलते हैं, आरक्षण का एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, एसआईटी आज भी करेगी सबूत एकत्र। श्री मेघनाथ शिंदे का विपक्ष पर निशाना, कहा कि राजनीति से प्रेरित विरोध प्रदर्शन घटना दुर्भाग्यपूर्ण। बदलापुर मामले में अब तक 300 एफआईआर दर्ज, 40 से ज्यादा गिरफ्तारी, कल्याण में वकीलों का आरोपी अक्षय शिंदे के केस नहीं लड़ने का फैसला। बदलापुर कांड के खिलाफ 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, उद्धव ठाकरे शरद पवार कांग्रेस की बैठक में फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा करने का प्रस्ताव, बोले संजय राउत निजी विचार का, सीट शेयरिंग पर असर नहीं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला शामिल। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने लखनऊ में निकाले 2 पोस्टर्स, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को धन्यवाद दिया, कहा कि इन्होंने माने थे घोटाले की बात। कर्नाटक में मंत्री एच के पाटिल ने सीएम सिद्धरमैया पर केस चलाने के गवर्नर के फैसले को गलत कहा, काबुल हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई।
हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। नेता और कार्यकर्ता पूरे भारत में ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक आज, विपक्ष कर सकता है सरकार का घेराव। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर, जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। सूत्रों से खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में गठबंधन पर शुरू की गई बातचीत, खड़गे और राहुल गांधी सीट बंटवारे को दे सकते हैं अंतिम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। शैलजा के चुनाव लड़ने से भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने की संभावनाओं पर खतरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर की सीएम योगी की तारीफ, कहा कि रामभक्ति नहीं राष्ट्रभक्ति से समझौता किया गया। सीएम आवास पर यूपी सरकार संगठन और आरएसएस की बैठक, मुख्यमंत्री दोनों ही डिप्टी सीएम के अलावा संघ के नेता भी रहेंगे। झारखंड के मंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन बनाएंगे अपनी अलग पार्टी। दिल्ली से लौटकर सरायकेला में समर्थकों के साथ संगठन खड़ा करने का ऐलान किया। दिल्ली में एमसीडी निगम सदन की बैठक में बीजेपी पार्षदों का मेयर के खिलाफ प्रदर्शन, तख्तियां लेकर विरोध जताया गया। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से जुलाई में 28 बच्चों की मौत, पटेल सरकार ने जानकारी दी। कर्नाटक सीएलपी की बैठक आज, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम सिद्धरमैया, विधानसभा कॉन्फ्रेंस में हॉल में ये बैठक हुई। हुड्डा घोटाले को लेकर कर्नाटक के सिद्धरमैया का कुमारस्वामी पर पलटवार, बोले कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए 100 सिद्धरमैया नहीं बल्कि सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल काफी। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। तमिल अभिनेता विजय राज उत्तरी तमिलनाडु के विक्रवंडी में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वित्री कन्नडम के औपचारिक झंडे का अनावरण करेंगे। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वजूखाना के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र के बीड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पल्ली वैजनाथ में कृषि महोत्सव 2024 में हिस्सा लिया। चमोली के गैरसैंण में शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सत्र के पहले दिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्थायी राजधानी बनाने को लेकर रखा एक घंटे का मौन उपवास। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने खुद के सीएम बनने की इच्छा जताई, कहा कि अगर बनी कांग्रेस की सरकार तो उसे छह महीने से पहले तोड़ देंगे। नोएडा पहुंचे राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट पर बैन देखा कि 2 साल पहले 26 जनवरी को ट्रैक्टर लाल किले की जगह संसद पहुंच जाता तो फिर भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाती। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर हमला, कहा कि केंद्र से मिले 200 करोड़ केवल अपने विधानसभा पर खर्च किए। फरीदकोट पुलिस ने 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में कंपनी में रिएक्टर में विस्फोट, 17 मजदूरों की मौत, 40 घायल। झालावाड़ में चंद्रभागा नदी में नहाते समय युवक की डूबने से मौत, एसडीआरएफ की टीम ने नदी से शव को निकाला। सूरत में चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी के परिवार के 4 सदस्यों ने खुदकुशी की कोशिश की, 8 अगस्त को केस हुआ था दर्ज। जोधपुर में पेपर लीक के केस में फरार कांस्टेबल शैताना राम बिश्नोई श्रीगंगानगर से गिरफ्तार। कौशाम्बी में बारिश के बाद पक्का मकान गिरा, घर संविदोष होने का वीडियो भी कैमरे में कैद, लाखों का सामान बर्बाद। रांची पुलिस ने 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से कार्बाइन, मैगजीन, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान के टोंक में भैंस को पानी से निकालने के चक्कर में 4 भाइयों की मौत, बरसाती नाले में एक दूसरे को बचाते समय जान चली गई। झांसी में अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी, 20 अगस्त की वारदात। रीवा में छिड़खानी के आरोप में एक डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या, पुलिस 5 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। इंदौर में धन परिवर्तन करवाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, लोगों को पैसे और मुफ्त इलाज का लालच देकर बरगलाने का आरोप। बुलंदशहर में पोस्टेड डाक अधीक्षक ने अलीगढ़ में घर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट में कुछ लोगों पर परेशान करने का। महाराष्ट्र के बदलापुर में पानी की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद, अंबरनाथ पालेगांव में पाइपलाइन में मरम्मतीकरण का कार्य शुरू। गोंडा में जीजा की छेड़छाड़ से परेशान 2 बहनों ने रक्षाबंधन के दिन नदी में कूदकर जान दे दी, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा 7 किलोमीटर लंबा जाम, हजारों लोग परेशान, 5 घंटे के सफर में 12 घंटे लग रहे हैं।
त्रिपुरा में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, 183 राहत शिविरों में मौजूद प्रभावित लोग। यूपी में कई शहरों में तेज बारिश के बाद बढ़ी परेशानी, गोरखपुर में कई इलाकों में जल भरा। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के चलते आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ी। शिमला में बारिश के बाद भूस्खलन, बालूगंज में लैंडस्लाइड से पूरा इलाका क्षतिग्रस्त। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी, सभी 84 घाटों का संपर्क टूटा। मौसम विभाग की तरफ से गुजरात में अगले 7 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। जुलाई 2023 में सियाचिन में एक अग्निकांड में शहादत। शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्ला खान की पुण्यतिथि पर वाराणसी में बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने दी श्रद्धांजलि।